जैसा कि आपको पता है, मेरा 75 हार्ट चैलेंज शुरू है, तो उसके लिए मैं आज 25वां दिन है, 25 डेज पूरे हो चुके हैं। तो उसके लिए मैंने क्या क्या डाइट किया, क्या क्या नहीं करा, वो सब मैंने वीडियो डाला और आप लोग को बताया है कि मैं कहाँ गया, कैसे गया, क्या क्या किया। तो उसके रिलेटेड मैंने दाढ़ी भी नहीं कटा रहा हूँ, मैं 75 डे कम्प्लीट होगा उसके बाद दाढ़ी। पता है कि मेरे 14 अगस्त से 2023 से मेरी डाइट भी शुरू हुई, जो कि मेरी एक जर्नी है पतले होने की और बॉडी फिट करने की। तो उसकी जर्नी का आप लोग को मैंने एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो अपलोड किया। तो ये 75 हार्ड डेज का हार्ड डेज लिया मैंने 14 दिसंबर को। तो वो मेरा 75 हार्ड डेज का मकसद यही था कि मेरी बॉडी और फिट हो जाए और मैं एक डाइट के हिसाब से चलूँ। तो उसमें कोई चीट में, जैसा कि आपको मैंने पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ 75 हार्ड डेज होता क्या है। तो आज मैं आपको बस ये बताने चाह रहा हूँ कि अगर आप ये ऐसा चैलेंज लेते हो, तो ये चैलेंज तो बहुत मुश्किल है, पर ये चैलेंज लेते हो आप, तो लेने के लिए आपको सबसे भारी होता है डाइट करना। और डाइट के लिए आपको पहले से ही आपको प्रैक्टिस करना होता है, जैसे बाहर का खाना नहीं खाना होता है, चाय नहीं पीना होता है, ऐसे शुगर छोड़ना पड़ता है आपको, और इसमें पानी ज़्यादा पीना पड़ता है। तो पानी ज़्यादा पीने से आपको टॉयलेट भी ज़्यादा आएगी, तो इस वजह से भी बहुत लोग स्किप कर जाते हैं। और जो भी नशा करते हो आप, जैसे सिगरेट, पान, दारू, ये सब भी नहीं करना होता 75 हार्ट चैलेंज में। तो ये सब चीज़ का मतलब यही होता है कि आप एक रूल के बताए हुए पे इस हिसाब से चलते हो और आपकी बॉडी ट्रांसफॉर्म होने लगती है, तो जैसा कि मेरी हो रही है। तो अगर आप भी ऐसा चाहते हो और आप भी, अगर आपके दिल में भी एक मोटिवेशन है, तो उसके लिए आप ये भी शुरुआत कर सकते हो। पर इसमें सबसे बड़ा रोल जो है, जो मेरे आगे रखी हुई है चीज़ें, जैसे कि ये चना सत्तू, आपको पता होगा ये चना सत्तू बहुत फेमस है, इसका पाउडर बना लेंगे तो ये सत्तू बन जाता है। तो जैसा कि मेरी जो 75 हार्ट चैलेंज में सबसे बड़ा रोल अदा कर रहा है खजूर, डेट्स, कियामी का खा रहा हूँ मैं। ये कोई प्रमोशन नहीं है गाइस, मैं बस ये बता रहा हूँ, अगर आप शुगर बंद करते हो, अगर आप खाना पीना रोकते हो, तो उसमें आपको ये सब चीज़ इन्वॉल्व करना होगा, क्योंकि उसमें आपका दिमाग जो है वो सही से काम नहीं करेगा। तो इसके लिए आपको ये सब चीज़ लेना होगा। ऐसे मैं ले रहा हूँ ये काजू, सेंग, और मैं ले रहा हूँ सनफ्लावर सीड्स भी ले रहा हूँ मैं। तो ये सब लेने से आपका दिमाग सही रहेगा, आपको कहीं ना कहीं उलझन सी होगी जब आप ये चीज़ छोड़ते हो तो, और आपको मीठे की तलब लगेगी, तो आप क्या मीठा खाओगे, कैसे खाओगे, कहाँ से कंप्लीट करोगे। तो उसके लिए आपको खजूर खाना होगा, और मैंने लिया हो किशमिश। तो ये मैं पूरा ये भी निकाल के आपको बता देता हूँ मैंने क्या क्या लिया हो। किशमिश है, पम्पकिन सीड भी है, पम्पकिन सीड भी लेकर आया हूँ मैं मार्केट से, ये जल्दी अवेलेबल नहीं होती, पर अगर आप ड्राई फ्रूट के बाज़ार में जाते हो तो वहाँ पर तो आपको स्टोर में अवेलेबल हो जाती है। तो ये कोई प्रमोशन नहीं है कोई चीज़ का, मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि ये सब चीज़ रहना बहुत ज़रूरी है। अगर ये सब चीज़ नहीं लेते हो तो आपका 75 हार्ट चैलेंज कंप्लीट नहीं हो पाएगा। बस यही मकसद था गाइस, कि अगर आपको कहीं भी जाते हो आते हो तो आपको अपना डाइट रखना होगा हमेशा अपने पास। और मैं तो बोलता हूँ आप खजूर भी थोड़ा बहुत लेके चलिएगा, क्योंकि जॉब पे जाओगे तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी, अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, आपको प्यास तो लगती ही है, तो 4 लीटर पानी पीते हैं, पर उसके बाद भी आपको अजीब सी तलब लगेगी, वो तलब खाली स्वीट्स की होती है, तो वो स्वीट नहीं मिलेगा और आपको आप ऐसा करोगे तो उसके लिए आपको बहुत दिक्कत होगी। तो आपको थोड़े से काजू लेना होगा, ये मिक्स करके रखिए गाइस, ये बहुत ज़रूरी होता है। आपको जैसे 75 हार्ट चैलेंज लिया हो तो इसमें जैसे प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, तो ये सेंग है, दो किस्म का सेंग लिया हूँ मैं, ये पम्पकिन सीड है, सनफ्लावर सीड है, ये किशमिश है, डेट्स है, और ये हमारा फाइनली चने के बारे में तो बहुत सुन रहे हो गाइस आप, तो ये हमारा चना सत्तू है, मतलब चना है, चने को पीसेंगे तो सत्तू बनेगा, तो ये भी रख लीजिएगा बस। तो इसको मिक्स करके आप हमेशा ये
अपने कहीं भी जा रहे हो उसको लेके जाइए। तो इसमें जैसा कि मैंने लिया हो, काजू लिया हो, बादाम लिया हो, खजूर लिया हो, किशमिश लिया हो, तो ये सब आप अपने डाइट में रखिए गाइस, तो इसमें आपको बहुत मदद होगी और आप कहीं भी जाओगे तो आपको ये एनर्जी देगा। इसमें फ़ैट तो होता ही है पर इसमें गुड फैट होता है और कार्बोहाइड्रेट भी कम होता है और प्रोटीन भी होता है इसमें गाइस। तो ये आपको कहीं ना कहीं आपको किधर ना कहीं से आपको एनर्जी प्राप्त होगी। तो गाइड ये वीडियो बनाने का बस मेरा यही मकसद था कि आपको मैं बता सकूँ 75 हार्ड में ये सबका बहुत ज़्यादा रोल है। अगर आप ये नहीं रखते हो तो आपको कहीं ना कहीं क्रेविंग होगी, आपको कुछ ना कुछ खाने का मन करेगा, तो वो आप कहीं ना कहीं वो जो 75 हार्ड चैलेंज या कहीं आप ऐसा डाइट पे जाते हो तो वो कहीं ना कहीं आप चीट मिल ले ही लोगे, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, फ्राइज, ये सब खा ही लोगे। तो ये सब रहेगा तो आप नहीं खा पाओगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो गाइस कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू गाइस।